राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की बात करेंगे, जिसे लेकर के घमासान मचा हुआ है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं जाएगी कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस ने निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया है। जयराम रमेश ने जारी किया है लिखित बयान, कार्यक्रम में कांग्रेस की तरफ से कोई शामिल नहीं होगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी के भी नेताओं को निमंत्रण दिया गया था, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी ने यह निमंत्रण अस्वीकार किया है और इसे लेकर एक लिखित बयान भी आया। पिछले महीने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी को अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन का निमंत्रण मिला। भगवान राम की पूजा अर्चना करोड़ों भारतीय करते हैं। धर्म मनुष्य के व्यक्तिगत विषय में आता है, लेकिन बीजेपी और आरएसएस ने वर्षों से अयोध्या में राम मंदिर को एक राजनीतिक परियोजना बना दिया है। स्पष्ट है कि एक अर्ध निर्मित मंदिर का उद्घाटन केवल चुनावी लाभ उठाने के लिए किया जा रहा है। 2019 के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को स्वीकार करते हुए और लोगों की आस्था के सम्मान में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी बीजेपी और आरएसएस के इस आयोजन के निर्माण को ससम्मान अस्वीकार करते हैं और प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाने के फैसले से कांग्रेस में कई नेता नाराज भी हो गए हैं। अर्जुन मोढवाड़िया ने फैसले पर हैरानी जताई है, ऐसे निर्णय लेने से दूर रहना चाहिए था, ये कहा गया है। भगवान श्री राम आराध्य देव हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी फैसले का विरोध किया है, निमंत्रण को ठुकराना दुर्भाग्यपूर्ण है। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में कांग्रेस ने दूर रहने का फैसला किया है। पार्टी ने कहा है कि कार्यक्रम में सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी नहीं जाएंगे। कांग्रेस के इस फैसले की अर्जुन मोढवाड़िया ने आलोचना की है। उन्होंने कहा यह निर्णय गलत है। अर्जुन मोढवाड़िया गुजरात कांग्रेस के पूर्व में अध्यक्ष रह चुके हैं। बापू की जन्मभूमि पोरबंदर से ताल्लुकात रखते हैं। वर्तमान में मोढवाड़िया से विधायक है। गुजरात में कांग्रेस के दूसरे सबसे ज्यादा अनुभवी नेता है। वही कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने इस फैसले का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि श्री राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकराना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और आत्मघाती फैसला है। उन कार्यकर्ताओं का, उन नेताओं का जिनकी आस्था भगवान राम में है, कांग्रेस वो पार्टी है जो महात्मा गांधी के रास्ते पे चलती है। कांग्रेस वो पार्टी है जिसके नेता राजीव गांधी ने ही इस राम मंदिर का शिलान्यास, राम मंदिर के ताले खुलवाने का काम किया। भगवान श्री राम के मंदिर में के निमंत्रण को स्वीकार ना करना ये बहुत दुखद है। एक और ब्रेकिंग न्यूज है, कांग्रेस के फैसले पर बीजेपी का बड़ा हमला। कांग्रेस की सोच सनातन विरोधी है, स्मृति ईरानी ने ये कहा है। सोनिया के नेतृत्व में बार बार सनातन का अपमान हुआ है। कांग्रेस के फैसले का समर्थन में उदित राज। भगवान के आड़ में ये लोग वोट ले रहे हैं, अगर हिम्मत है तो रोजगार देकर वोट ले, स्वास्थ्य शिक्षा पर वोट ले, भाईचारे बंदी पर कर ले, अर्थव्यवस्था पर कर ले। अर्थव्यवस्था थोड़ा बढ़ रही है, अरे भारत की पॉपुलेशन इतनी अधिक है, कंजम्पशन ही इतना अधिक है, तो नेचुरली थोड़ा बहुत ग्रोथ तो लेगी लोगी, तो बड़ा अच्छा किया है और किसी को नहीं जाना चाहिए। ये आरएसएस बीजेपी का कार्यक्रम है और ये धार्मिक कार्यक्रम नहीं, राजनीतिक कार्यक्रम है। इंडिया अलायंस ने सोनिया जी के नेतृत्व में, कांग्रेस के नेतृत्व में बार बार सनातन धर्म की उपेक्षा की, अपमानित किया और अब इंडिया अलायंस के नेताओं द्वारा प्राण प्रतिष्ठा के पुण्य आमंत्रण को ठुकराना उनकी सनातन विरोधी सोच को दर्शाता है। बड़ी खबर है, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का भी कांग्रेस पर हमला। चुनाव में जनता करेगी कांग्रेस का बहिष्कार, सनातन विरोधी है कांग्रेस। और वहीं रामलला की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी शामिल नहीं होंगे। कांग्रेस का कहना है कि यह बीजेपी और आरएसएस का आयोजन है और अधूरे मंदिर का उद्घाटन चुनावी लाभ के लिए किया जा रहा है।
कांग्रेस की तरफ से रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में जाने का न्योता ठुकराने के बाद इस पर जमकर सियासत हो रही है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि इसी वजह से कांग्रेस का नाश हो रहा है। भगवान श्री राम ही भारत की पहचान है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को अस्वीकार करना भारत की पहचान को अस्वीकार करना है, भारतीय संस्कृति को अस्वीकार करना है, और इसीलिए तो कांग्रेस कहीं की नहीं रही। शिवराज सिंह ने जहां कांग्रेस पर निशाना साधा है, कांग्रेस के आलाकमान ने राम का मोह त्याग दिया है, वहीं मध्य प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेस नेता कमलनाथ अभी भी राम का मोह नहीं त्याग पा रहे हैं। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद इसकी शुरुआत हुई। भाजपा की सरकार थी तो उनकी जिम्मेदारी थी बनाना। राम मंदिर का पट्टा तो भाजपा के पास नहीं है ना, जो पूरे देश का है, सबका अधिकार है राम मंदिर पर। आप जाएंगे? 22 तारीख को अयोध्या जाएंगे? मैं इसको नहीं, मैं जाऊंगा, बिना कभी जाऊंगी।